मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के उल्लासनगर के समीप द्वारली गांव क्षेत्र में भाग्यशाली लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद लुटेरों ने डकैती डाली है। सुबह के समय दुकान के मालिक गोपाल कुमावत ने जब दुकान खोला तो 3 से 4 लुटेरे दुकान में घुस गए। तमंचे व धारदार हथियार का डर दिखाकर जेवर लूटने का प्रयास किया। इस दौरान दुकान के मालिक गोपाल कुमावत और उनके 2 नौकरों ने लुटेरों से भिड़ गए, लेकिन लुटेरे के पास बंदूक और धारदार हथियार थे। लुटेरों ने दुकान के मालिक और नौकरों पर हमला कर दिया, लेकिन फिर भी नौकरों ने उनका जमकर मुकाबला किया, जिसके बाद लुटेरे वहां से एक कार में बैठकर भाग गए। इस हमले में गोपाल कुमावत व उनके एक नौकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और लुटेरों की तलाश में 4 टीमें अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं। वहीं इस पूरे मामले में ACP मोतीचंद राठौर ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आणि यांना मारहाण करायला सुरुवात केली, पण तिघांनी त्यांना विरोध केला आणि त्यांनी सुद्धा मारहाण करायला सुरुवात केली, त्यामुळे ते 3-4 जण जे होते ते पळून गेले आणि त्यांनी इको गाडी आणलेली होती, मारुती इको, त्या गाडीमध्ये बसून ते निघून गेलेले आहे। या ठिकाणी दुकान मालकाचे साथीदार जे आहेत त्याच्या एका हाताला जखम झालेली आहे, गंभीर जखम, आणि दुसऱ्याला डोक्याला गंभीर जखम झालेली आहे। या ठिकाणी झोनपूरचे आमचे DCP साहेब पठारे साहेब, त्याचप्रमाणे संपूर्ण परिमंडळ 4 सर्व सिनियर PI आणि इतर अधिकारी तपासकामी आलेले आहेत आणि 4 पथकं वेगवेगळ्या मार्गावर आरोपीच्या तपासकामी पाठवण्यात आलेली आहेत। सर, आता बंदूकवर वापर केलेला आहे त्यांनी, घातक शस्त्राचा, अग्निशस्त्राचा पण वापर केलेला दिसतोय, पण त्याचा वापर झालेला नाही, धमकावताना त्यांना दिसतोय, आणि काही धारदार शस्त्र वगैरे हे सुद्धा त्यांनी वापरलेली आहेत।